अफगानिस्तान आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। ये चुनौतियां अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। चरमपंथियों द्वारा इन्हें ही सबसे अधिक निशाना बनाया जाता है और इन पर अत्याचार किए जाते हैं। कल हम लोग ये असौरते विज्ञान के जाओ तुझे निकलो। गुरुद्वारे के अंदर सब लाशों में लाश पड़ी है और बंदे को मारे, बच्चों को, औरतों को, बड़े बुजुर्गों को। 25 बंदे अंदर मारे गए, एक बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड से वो भी मारे गए, 26 बंदे मारे गए। मम्मी और पापा वहाँ पर थे और मम्मी भी शहीद हो गई और पापा भी। मेरी जिंदगी में जो मैंने पहले जख्म देखा है, वो जख्म में तो पहले चाहता हूँ गुरु महाराज को के किसी ने भी ना दे, ना कोई साढ़े हिंदू पुराणों, ना मुसलमान पुराणों से, ना सिख। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक सिख और हिंदू समुदाय के 1000 से अधिक लोग लगातार चरमपंथियों के डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। मार्च 2020 में आतंकवादियों ने काबुल के हर राय साहिब गुरुद्वारा पर हमला किया। इस हमले में लगभग 25 निर्दोष सिख श्रद्धालु मारे गए। एक बार तो 2018 में जलालाबाद के शहर में 13 लीडर मारे गए और दोबारा जो 2020 में हो गया 25 मार्च को गुरुद्वारे में, तो उस टाइम अफगानिस्तान के जो हिंदू सिख थे उनको बिल्कुल घबराहट हो गई कि और हमारे रहने का जगह या नहीं है। जिथे निशान दी शमशान ना होवे, शमशान भूमि ना होवे, मरण दी जगह ना हो, थे जीवन का की फायदा। भारत अफगानिस्तान के निकटतम पड़ोसी देशों में से एक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों ही देशों में काफी समानताएं हैं और इनके बीच वर्षों पुराना मजबूत राजनयिक संबंध है। भारत की सनातन संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। भारत में आज भी पीड़ितों के प्रति दया और करुणा की भावना के मूल में यही सोच निहित है। चरमपंथी आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई में भारत ने अपनी सहायता का हाथ बढ़ाया है और वहां के पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को इसने अपने यहां शरण दी है। भारत सरकार का एम्बेसडर साहब जो वहां आए हमारे गुरुद्वारे में, तो उन्होंने हमारे को तसल्ली दी और हमारे गम के साथ शरीक हुए और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। विदेश मंत्रालय और अफगानिस्तान स्थित इसके मिशन ने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के इन लोगों के भारत में पुनर्वास में सहायता प्रदान की। भारत सरकार ने मेन चीज इशू की एक वीजा, एक फ्लाइट का इंतजाम, कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, कोई भी फ्लाइट और वीजा नहीं था। अफगान सरकार के सहयोग से सिख समुदाय के पीड़ित सदस्यों का पहला समूह 28 जुलाई को सुरक्षित भारत पहुंचा। अफगानिस्तान में हो रहे हमलों से बचने के लिए अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक सिख समुदाय के कुल 357 सदस्य इस वर्ष भारत आ चुके हैं। भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया। इस संशोधन ने पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन समुदायों के उन हजारों लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ किया जो दिसंबर 2014 के पहले से भारत में रह रहे थे। इन समुदायों के सदस्य लंबे समय से नागरिकता अधिकारों की मांग कर रहे थे और भारत सरकार ने इन अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए मानवता के नाते CAA 2019 का निर्णय लिया। अफगानिस्तान के विस्थापित हिंदू और सिख परिवार आज यहां सुख चैन से रह रहे हैं। अभी भी कुछ चुनौतियां हैं और इन घावों को भरने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वर्तमान शांति और स्थिरता के वातावरण में इन समुदायों को उम्मीद है कि इनके पुराने जख्म जल्द ही भर जाएंगे और ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को आशाजनक भविष्य दे सकेंगे। गवर्नमेंट इंडिया जड़ी है, हर किसी नाल हुकूमत करदी पई है, चाहे सिख होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे हिंदू होवे, चाहे ईसाई, जिसे नाल जड़ी जड़ी जगह विच भी हिंदुस्तान ने पहले पहले ही कदम उठा के ही उन्होंने हुकूमत की। आगे अगवारी जिंदगी सही हो जाए, लाइफ सही हो जाए कि बच्चों की, और हम कहीं चाहे फांसी या चाहे जगह ठीक है, हम बैठ जाएंगे। जिस तरह वहाँ जब तक हालत ठीक थी, हम खुश थे, परिवारों में सब कुछ अपने निज़ाम में ठीक था, यहाँ भी वही उसी तरह चाहते हैं। अब यही मेरा हमारा घर है,
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।